next question question says a man is sitting on the shore of a river he is in the line of a 1 meter long uh, long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat He wishes to throw uh, an apple into the boat. If he can throw uh, the apple only with a speed of 10 टेन मीटर पर सेकेंड फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिम projection for successful shot. सक्सेसफुल शॉर्ट और हमें यह भी कहा गया है सवाल में अज्यूम दैट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द एज ऑफ द बोट आर इन द सेम हॉरिजोंटल प्लेन ना बहुत ही सिंपल सवाल है बट कॉन्सेप्ट इससे अपने अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है सो so, इसको ऐसे देखना कि यहाँ पे एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है और दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू थ्रो एन एप्पल ठीक है सो so, उसको ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नाउ वी हैव अ बोट लाइक दिस ऐसे बना लेते हैं सो वी हैव अ बोट लाइक दिस यहाँ पे और द पर्सन कैन थ्रो एट एन स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड सो टेन मीटर पर सेकेंड पे uh, वो थ्रो कर सकते हैं सिचुएशनल ये दिया हुआ है कि यहाँ से अच्छा बोट की जो लेंथ है वो वन मीटर है और ये जो दूरी है सेंटर से ये 5.5 मीटर है दैट मींस ये जो डिस्टेंस आया ये 5 मीटर होएगा फ्रॉम दिस एज और ये जो डिस्टेंस होएगा इसको ऐसे बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है और ये आपका 6 मीटर है ये वाला एंड ठीक है सो so, यहाँ पे आ, आपको गेंद फेंकनी है ना यहाँ पे जो अपना थ्रो है वो ऐसे जा सकता है तो एक थ्रो तो ऐसे हो सकता है कि इस यहाँ पर आपने इस एंगल पर Uh, यू आपकी फिक्स्ड है थीटा वन एंगल पे फेंका और ये थ्रो आपका यहाँ पे गया दूसरा थ्रो ऐसे हो सकता है कि वो थ्रो ऐसे गया और जाके यहाँ पे हिट करे सो दिस कैन बी आपका थीटा टू ये आपका एंगल होएगा नाउ इन दोनों ही केसेस में जो ये आपके बोर्ड पे जाके ये आपके एप्पल uh, गिर रहा है बोर्ड uh, के इनसाइड गिरेगा नाउ इस वाले केस में जब हम देखेंगे पहले वाले केस में रेंज वन जो है आपकी रेंज वन इसको आर वन क्या लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू फाइव मीटर और इस पर अगर हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करें सो वी कैन राइट दिस यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी ये आपका रेंज का फार्मूला आ जाएगा और दैट इम्प्लाइज़ uh, आपका साइन टू थीटा दैट इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय जी आर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर जी की वैल्यू यहाँ पे अगर हम टेन ले लें सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन डिवाइडेड बाई यू अपने को यहाँ पर टेन दिया हुआ है टेन uh, का स्क्वायर सो so इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई यानी कि वन बाय विच एम्प्लाइज़ आपका टू थीटा जो है वो हो गया थर्टी डिग्री और आपका थीटा हो गया फिफ्टीन डिग्री सो यहाँ पे आप फिफ्टीन डिग्री से फेंकेंगे तो इस एज पे जाके या उसके फिफ्टीन से थोड़ा सा ज़्यादा किया है तो बोर्ड के अंदर आपका एप्पल ड्रॉप हो जाएगा ना सेकेंड केस में रेंज टू जो है वो आपकी सिक्स मीटर है सो आप लिख सकते हैं आर टू देट इज़ इक्वल टू सिक्स मीटर आ, फिर ये फॉर्मूला लगा लेंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू कह लेते हैं इसको थीटा वन कह लेते हैं ये थीटा वन हो गया डिवाइडेड बाय जी विच एम्प्लाईज आपका साइन टू थीटा जो आएगा साइन टू थीटा दैट विल बी इक्वल टू ये हो गया सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन जी टेन स्क्वायर सो ये हो गया सिक्स बाय टेन विच एम्प्लाईज थीटा टू है आपका टू थीटा अच्छा uh, इसकी जो साइन टू थीटा की वैल्यू सिक्स बाय टेन यानी कि आ गया आपका थ्री बाय फाइव विच मीन्स ये लगभग आपका थर्टी सेवन डिग्री और इजी कैलकुलेशन के लिए इसको थर्टी सिक्स डिग्री कह लेते हैं दिस इज इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री विच इंप्लाइज आपका थीटा टू जो है वो आ गया आपका एटीन uh, डिग्री सो so, अगर आपने 15 डिग्री से फेंका तो यहाँ गिरेगा 18 डिग्री पे फेंका तो एप्पल यहाँ गिरेगा तो आपके दो आंसर हो गए एक थीटा आपका 15 और 18 के बीच में लाई करना चाहिए अगर आपने ऐसे किया है तो आपका एप्पल के उस बोर्ड पे गिरने के पूरे पूरे चांसेस है वहाँ जाके गिरेगा न इसी के दो आंसर और होंगे ये बात अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पता है कि अगर आपका एक एंगल थीटा वन है जो कि आपका पंद्रह डिग्री है विच एम्प्लाइज़ आपका नाइन्टी माइनस थीटा विच विल बी इक्वल टू 75 डिग्री तो इन दोनों एंगल से फेंकेंगे तो सेम आपकी रेंज आएगी विच मीन्स आपने अगर इसको ऐसे 75 डिग्री के एंगल से फेंका है तो भी आपका सेम रेंज आएगा तो आपका 75 एंगल पे फेंकेंगे तो भी यही होएगा सिमिलरली अगर इस सैंड पे फेंकना है तो एक तो 18 डिग्री ये वाला हो गया एक काम करते हैं इसको ब्लू से बनाते हैं जिससे आपको एक साथ दिखें सो एक तो ये एंगल हो गया दूसरा एंगल ऐसे करके ये सेकेंड तो एंगल आ जाएगा सो दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा टू यानी कि हो जाएगा 90 माइनस uh, एटीन और ये जो वैल्यू आएगी सो दिस विल बी इक्वल टू 72 टू डिग्री सो 15 और 18 से अगर आप फेंकेंगे तो यहाँ पे गिरेगा ना और यहाँ पर आप अगर इसके जो सक्सेसफुल हिट के वो होंगे सो so अगर अपना थीटा जो है दैट इज़ इसको ऐसे लिख लेते हैं फिफ्टीन uh, डिग्री uh, से लेके कर एटीन डिग्री के बीच में अगर थीटा है सो so, आपका एप्पल यहाँ पे गिरेगा एंड एट द सेम टाइम इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका 72 डिग्री थीटा अगर है 72 और 75 के बीच में तो भी आपका एप्पल बोर्ड पे हिट करेगा ना इसके बीच में 18 और 72 के बीच में लगभग 54 डिग्री का गैप है uh, 18 और 72 के बीच में उस 54 डिग्री के एंगल पे अगर आपने फेंका मतलब 18 से ज़्यादा और सेवनटी से कम तो आपका एप्पल जो है वो बोर्ड पर नहीं गिरेगा